अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और मौसम इतना प्यारा है ना कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो मैंने कहा इतना प्यारा मौसम है, घर में बैठ के क्या करना है। मैं जल्दी जल्दी से मैंने दुपट्टा लिया और फिर मैं बाहर आ गई। बहुत ही अच्छा मौसम है, हर रोज़ यहाँ पर शाम के टाइम इतना प्यारा मौसम हो जाता है ना, इतना अच्छा हो जाता है ना कि जिसकी कोई हद ही नहीं। इतनी प्यारी प्यारी हवा चल रही है, इतने देखें ऐसे जैसे जब ऐसे आराम आराम से ऐसे दरख्त हिल रहे होते हैं ना, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। इतनी मज़े की लग रही है ना हवा, ऐसे लगता है जैसे ना पता नहीं क्या है। बस मैं बाहर आई थी, मैंने कहा वीडियो बना लेती हूँ। तो ज़ाहिर है जब जब इंसान का मूड अच्छा होता है ना, जब उसका मूड बिल्कुल ठीक होता है, मौसम अच्छा होता है, उसका अच्छा मूड होता है, फिर ही उसका कुछ ना कुछ करने को दिल करता है। अगर मूड अच्छा ना हो तो फिर कुछ अच्छा भी नहीं लगता और फिर कुछ करने को दिल भी नहीं करता। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा, मेरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये देखें यहाँ का खूबसूरत मौसम, बहुत ही अच्छा मौसम है। ऐसे बादल आए होते हैं ना, ऐसे लग रहा है जब दूर से अगर देखा तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा होता है जैसे ना ये पहाड़ है, क्योंकि ऐसे एकदम से ऊपर को उठे होते हैं, इतने मोटे मोटे होते हैं ना। और यहाँ पे ना इधर यहाँ के इसी एरिया में, यानी कि यहाँ पे पास ही है ना, जो वो भी एरोप्लेन जा रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर सारा दिन इतने एरोप्लेन दिखते हैं, इतने एरोप्लेन नज़र आते हैं ना। यहाँ पर ना एयरपोर्ट हमारे पास ही है, यानी कि पास ही एयरपोर्ट, तो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे एयरपोर्ट कह रही हूँ, जहाज़ उतरते हैं और चढ़ते हैं। और पता है क्या, इन जो जहाज़ों की, वरना एक दफ़ा हम लोग गए थे वहाँ पे, कराची गए थे, वहाँ पे भी एयरपोर्ट के पास ही ना मेरी खाला का घर था। तो वहाँ पे जब दिन रात जब भी एरोप्लेन गुजरते थे ना यहाँ से ना, ये थोड़ा रास्ता ख़राब नहीं है, रास्ता तो बिल्कुल ठीक है। कि जब यहाँ पे काम हो रहा होता है ना, तो यहाँ पे जब ये मिट्टी की जो ट्राली वगैरह होती है, रेत की होती है, वो गुजरती है ना, तो और नीचे गिर जाता है, फिर लोगों ने अभी तक सफाई नहीं की। वैसे रोड तो यहाँ पे बिल्कुल नीट क्लीन साफ़ है। तो जब हम लोग गए थे ना वहाँ पे कराची में, मेरी खाला का घर था वो भी एयरपोर्ट के पास था, वहाँ पे भी रात को दिन को जैसे जहाज़ उतरते थे चढ़ते थे, इतनी आवाज़ें आती थी ना कि जिसकी ना कोई हद ही नहीं है। रात को बंदा सोया हुआ हो ना, ऐसे आवाज़ आती थी कि बंदा डर के मारे ना उठ जाता था। मैं तो ख़ास तौर पे वैसे ही शुरू से ना जहाज़ों की आवाज़ों से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। जब भी कोई जहाज़ गुजरता है ना, गुजरता था यानी कि, तो मैं अपने कानों में उंगलियाँ दे लेती थी, या अक्सर टाइम पे जहाज़ होता था, जहाज़ जब आता था तो मैं ना चारपाई के नीचे छुप जाती थी। तो यहाँ पे जहाज़ होते हैं इतने नीचे होते हैं, इतने नज़दीक से नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन वो उनकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती। यहाँ पर आवाज़ इसलिए नहीं आती क्योंकि यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, शायद पहाड़ों की वजह से ना आवाज़ नहीं आती, वरना जहाज़ की जो आवाज़ ना ये हो नहीं सकता। मौसम बहुत अच्छा, बहुत प्यारा मौसम है। जब भी इस टाइम इतना अच्छा मौसम होता है ना, तो बाहर लोग इतने ज़्यादा निकले होते हैं ना, और ये जो मेरा पाँव है ना, ये टेढ़ा हो जाता है, इसको सीधा, ये ऐसे सीधा सही लगता है। तो बस इसी वजह से आवाज़ नहीं आती, वरना वो बहुत ज़्यादा, कभी इधर को आ रहा है एरोप्लेन, कभी उधर को जा रहा है, बच्चे सारा दिन देखते हैं वो एरोप्लेन जा रहा है, बच्चे सारा दिन बस एरोप्लेन भी देखते रहते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा आती नहीं है। तो बस ऐसे में बाहर निकली थी, बाहर का मौसम इतना अच्छा था, इतना प्यारा था। वैसे भी आज मेरा मूड जो है वो भी कुछ अच्छा था, तो इसी वजह से मैंने कहा चलें एक वीडियो बना लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। इतनी ख़ास रूटीन तो मेरी होती नहीं है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो ना मेरी इतनी ज़्यादा रूटीन नहीं होती, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा जो है होता है वो घर में काम वगैरह नहीं करती। मैं बिल्कुल घर में ना रहती हूँ, महारानियों की तरह सब कुछ जो होता है ना वो मेरे आगे आ जाता है। नहीं, अगर मुझे करना पड़ता है ना काम, तो मैं करती भी हूँ, यह बात नहीं कि मैं काम करती रहूँ, जब सर पर पड़ती है ना फिर मुझे सारा कुछ करना पड़ता है।
लेकिन ये है कि भी करती नहीं, जब घर में इतने ज़्यादा फ़र्द होते हैं काम करने के लिए तो फिर मुझे क्या जरूरत पड़ी होती है काम करने की, बाकी सब है ना, बाकी सब किए जाएँ काम, तो इसलिए मेरी कोई इतनी ख़ास रूटीन नहीं होती। कभी कभार हुआ अगर मैं कुछ करती भी हूँ ना तो वो जस्ट मैं वीडियोस के लिए करती हूँ, क्योंकि मैंने वीडियोस बनानी होती है इसलिए मैं करती हूँ, वरना मैं इतना भी नहीं करती। अभी मुझे यहाँ पे फिरते फिरते शाम हो गया, क्योंकि मौसम इतना प्यारा है ना, जब फिर रहे होते हैं ना इधर उधर आ जाते हैं, जो हवा चल रही होती है वो बहुत ही खूबसूरत लग रही है, इतनी प्यारी हवा और इतना प्यारा मौसम, छोड़ के घर जाने को दिल ही नहीं करता। तो अब शाम हो गई, मगरब की जो अजानें हैं वो भी हो गई, तो बस अब चलते हैं घर। मैं घर की तरफ अब जा रही हूँ, तो मैंने कहा कि भी आप लोगों से अल्लाह हाफिज़ भी कर देती हूँ। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगी, आप मेरे लिए दुआ करिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।